सुस्वागतम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा रहना चाहिए। एक भाई ने कमेंट किया है और मैं चलता हूँ हेयर कट करने के लिए और दाढ़ी काटने के लिए। साथ में ये हीरो भी जा रहा है, इसके भी बाल काट के आते हैं। और वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत कुछ आज नया देखने को मिलेगा आप लोगों को। हाँ ये कर लो पहले। रुको जरा, सबर करो। पहले पहुंच गया हम लोग फेसबुक जेंट्स पार्लर और अभी हेयर कट करते चले जाते हैं। सामने फाइनली जो बचे कुछ बाल थे उसे भी थोड़ा छोटा करके घर के लिए निकल रहे हैं। A few moments later, हेयर कट वर्कट करा लिया, नहा धो के फ्रेश हो लिया, अब हमें चलना है कहीं और, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ के भैया ने मुझे कॉल किया, बताया कि वो आज घर पे नहीं हो पाएंगे, उन्हें कुछ काम निकल के आया और वो वहाँ घर से निकल गए। तो मेरा प्रोग्राम हो गया डाबा डोल। लेकिन 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 आपके लिए कुछ है, आप वीडियो को देख के जाइएगा। फ्रेंड्स, इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ एक रंगमंच है और ये रंगमंच देही पाटका फेस्टिवल के प्लेग्राउंड के ऊपर बना हुआ है। ये रंगमंच इस नाम से नामांकित है, वो है साइलुंग सुकाफा। साइलुंग सुकाफा असम के अहोम राज्य का प्रतिष्ठापक माने जाते हैं और इस पाटका फेस्टिवल को कराने का जो जिम्मा था वो असम सरकार की थी। और हाल ही में ये फेस्टिवल बंद कराया गया, क्यों कराया गया नहीं मालूम, पर इसके नाम के पीछे का रीजन समझे, यहाँ का प्रसिद्ध नदी डिहिंग और यहाँ का प्रसिद्ध पहाड़ पाटका पहाड़ जो नॉर्थ ईस्ट का अमेजोन कहा जाता है, उसके बेस पे बनाया गया है दिहिंग पाटका फेस्टिवल। फ्रेंड्स, तो मेरे पीछे है यह असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध गेट, पाटका गेट कहा जाता है। और इसके उद्घाटन जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया था 2002 सन में, जब इस यहाँ का जो प्रोग्राम था या जो फेस्टिवल था उसके उद्घाटन के समय, और उन्हीं के द्वारा लगाया गया एक पेड़ जो काफ़ी प्रसिद्ध पेड़ है, उसका आज भी जीवित है, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, आइए मेरे साथ। ये सांची का जो पेड़ है, सांची का पेड़ जब खुद APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लगाया गया, ये सेंट बनाने में काम आता है, उनके द्वारा लगाया गया पेड़ आज भी जीवित है। और इस वीडियो में मैं यहीं पे क्लोजिंग करना चाहता हूँ और अगला वीडियो बहुत ही धुआंधार और बहुत ही मस्त होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। भाई मजा आया।